अशोक गहलोत 2 दिवसीय बॉर्डर यात्रा पर हैं और बॉर्डर यात्रा के दूसरे दिन यानी आज जो सीएम गहलोत ने बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर का दौरा किया। सीएम गहलोत बीकानेर के खाजूवाला में बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे, जैसलमेर में बाबा रामदेवरा की समाधि पर मत्था टेका और प्रदेश की अमन चैन की दुआ भी मांगी। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत श्रीगंगानगर की सरहद पर तैनात जवानों के बीच पहुंचे और उनका हौसला अफजाई किया। और अब बात सरहद पर सरकार की। एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के सरहदी इलाकों में तनाव का माहौल है और ऐसे में हाई अलर्ट के चलते सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। देश के जवान सुरक्षा में डटे हुए हैं और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री ने बॉर्डर पोस्ट पर तैनात जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और बीजेपी पर निशाना भी साधा। सरहद पर सरकार, गहलोत का बॉर्डर दौरा, सीएम ने बढ़ाया जवानों का हौसला, बीजेपी और केंद्र पर साधा निशाना। सरहद पर सीएम गहलोत को अपने बीच पाकर जवानों का हौसला देखते ही बन रहा था। सरहदी इलाकों के दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर के बॉर्डर में तैनात जवानों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर गहलोत ने जवानों को विश्वास दिलाया कि आप सरहद पर तैनात हैं तो वहीं पूरा देश आपके साथ खड़ा है। वहीं सीएम गहलोत ने देश में बने मौजूदा हालात पर मोदी और बीजेपी पर भी निशाना साधा। गहलोत ने राफेल और एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। ऐसे में जवान जो विभिन्न राज्यों से आते हैं वो भी यहाँ आकर अपना उठाते हैं ऐसे वायुमंडल के अंदर, और जो जज्बा है, जो पराक्रम उनमें झलकता है, शौर्य झलकता है, विश्वास झलकता है, देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है और सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, ऐसे लोगों को मैं और प्रदेश की जनता की तरफ से विश्वास दिलाना आया हूँ कि आप निश्चिंत रहें, पूरा प्रदेशवासी आपके साथ खड़े हैं। वहीं गहलोत ने शहीदों के परिवार को 25 बीघा जमीन के पट्टे देने का भी ऐलान किया है। अभी मैं यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल में 25 बीघा जो मुर्बा दे रहे हैं सैनिकों की विधवाओं को, वो मैं बांट के आया हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ कि 15-17 साल पहले मिलना चाहिए था उनको, क्यों नहीं मिला। सीएम गहलोत ने अपने 2 दिनों की बॉर्डर यात्रा के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर की सरहद पर तैनात जवानों से मुलाकात की है। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।